हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली जानब। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? हमारी बॉडी पर, स्पेशली फीमेल बॉडी पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मेल पर भी इम्पैक्ट होता है पर फीमेल बॉडी पर भी इम्पैक्ट होता है। बॉडी पर जो फैट होता है, मोटापा, एक तो होता है मसल्स कि आपके मसल्स बहुत अच्छी हैं, दूसरा होता है अननेसेसरी फैट जो कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बन जाता है बॉडी पर, या आप ऐसे रूटीन में रहते हो कि वर्कआउट नहीं करते लेकिन कैलोरी इनटेक ज़्यादा बर्न नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से बॉडी पर चर्बी जमा हो गई है और वो चर्बी क्या करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। अब उस हार्मोनल इम्बैलेंस को आप बीट कर सकते हो। आज मैं 30 डेज के लिए आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ। इन 30 डेज में आप बदल जाएंगे। आपको शुरू करना होगा कुछ टिप्स को जो कि अब हम समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मसल टोन होंगे आपकी और जो फैट है ना बॉडी पर वो कट होने लग जाएगा। क्या क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले 30 मिनट एक्सरसाइज। अब ऐसा आप कर सकते हो कि थोड़ा मॉर्निंग किया एंड थोड़ा इवनिंग किया, आपको जितना टाइम मिलता है। अगर आपको केवल मॉर्निंग में टाइम मिलता है आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, अगर आपको इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में कर सकते हैं, बट एक रूटीन में आपको सेट होना है। 30 मिनट आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट में करना क्या है, 30 मिनट वर्कआउट के अंदर कार्डियो और मसल ट्रेनिंग आपको करनी है। बहुत हल्की एक्सरसाइजेस रहेंगी शुरू में, धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम ट्रेनर से आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन से कार्डियो आपको करने चाहिए, कौन सी मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपके बॉडी में कहाँ फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा है। ये जो फैट है ना, इसमें एक्स्ट्रा हॉर्मोन बनता है और बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो हमें उस फैट को कट कर लेना है। दूसरा काम आपको करना है कि कोई फैटी फूड नहीं खाना है। फैटी फूड क्या है, जिसको या तो तला गया हो, जिसमें बहुत ज़्यादा घी, तेल, ट्रांसफैट वगैरह में उसको प्रिपेयर किया गया हो, तो फैटी फूड नहीं खाना है। अगर आपको कुरकुरे चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, पकौड़े, समोसे टाइप पसंद आता है, मन करता है, क्रेविंग होती है, तो आप एयर फ्रायर का यूज़ कर सकते हो। सुबह जब आप उठते हो तो एक चम्मच शहद आपको ले लेना है, खा लेना है। शहद ज़्यादा गर्म पानी में ऐड नहीं किया जाता और शहद को गरम गरम चीज में भी नहीं डाला जाता, तो डायरेक्टली एक चम्मच शहद जो कि प्योर हो वो शहद आपको कंज्यूम करना है। और जब भी आप खाना खाते हो तो खाने में एक चम्मच शुद्ध देसी घी जिसको कहते हैं, अगर घर में आप बनाते हैं मेरी तरह, तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें, एक चम्मच दोपहर के, एक चम्मच रात के खाने में। मीन्स एक दिन में 2 चम्मच देसी घी को यूज़ करना है, लेकिन मैंने कहा है कि आपको फैटी चीज़ों से बचना है। देसी घी सटाइटी देता है और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, तो ये एकदम से बॉडी में जो क्रंच आता है उससे आपको बचा के रखेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। याद रखें कि पतले होना, वेट ट्रेनिंग करना, मसल ट्रेनिंग करना, कार्डियो करना का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रोटीन ही खाना है। जी नहीं, इसका कतई मतलब नहीं है। संतुलित आहार खाना है। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी चॉइस होगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन राइस, कई तरह के मिलेट्स, होल व्हीट इत्यादि। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में शामिल करेंगे तो फाइबर ज्यादा मिलेगा, सेटाइटी जल्दी आएगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, प्लस उसमें मिनरल्स एंड विटामिन ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद एक देसी आयुर्वेदिक नुस्खे की तो बात होनी जरूरी है, क्योंकि वो हेल्प करता है, एड ऑन करता है आपकी एक्टिविटीज में, आपको फैट को कट करने में हेल्प करता है। तो त्रिफला का चूर्ण आयुर्वेद में जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। त्रिफला का पाउडर आप ले लीजिए, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ले, जिससे कि शुद्ध आपको प्रोडक्ट मिले। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो, समझ सकते हो। त्रिफला रात को 1 चम्मच एक ग्लास पानी में आपको भिगोना है, सुबह उठकर उसको छान लेना है और उस पानी को कंज्यूम करना है। त्रिफला क्या करेगा, बॉडी के दोषों को कंट्रोल करता है, वात कफ का संतुलन देता है बॉडी में, फैट लॉस करने में हेल्प करता है, गट को हेल्दी रखता है, प्लस मूड को भी अच्छा रखता है और ये ब्लॉकेजेस को दूर करता है। बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ठीक करता है। तो इनफर्टिलिटी में जो ओबेसिटी, बढ़ा हुआ वजन, बढ़े हुए वजन की वजह से चेहरे पे बाल आना, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, PCOD होना, डायबिटीज एंड शुगर की प्रॉब्लम्स जो है फीमेल मेल सभी में, उन सब के लिए ये जो सिंपल आइडियाज हैं 30 दिन अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद के अंदर चेंजेस मालूम पड़ेंगे। होप इट हेल्प्स यू एंड होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।